नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं आज जो एमएस 100 के बेहतरीन मुकाबले खेले जाएंगे, बर्मिंगम फियोनिक्स ओमैन वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल ओमैन के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा एक बात और कि दोनों टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं, तो कुछ भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। पहली एक्सपेरिमेंट जो मुझे लगता है इस मैच में, शायद एलिसा पेरी खुद को ज़्यादा बॉलें ना दे। आई वोंग फिर से यहाँ पे अच्छी बॉल डाल सकती है। मैंने कहा था पिछले मैच में कि अगर एलिस पेरी कैप्टन बनेगी ना सोफी डिवाइन के जाने के बाद, उनके ही बनने के चांसेस दें, तो आई वोंग अच्छी खासी ओवर डालेंगी। पता नहीं डिवाइन की क्या उनके साथ दुश्मनी है, उनको गेंदबाजी नहीं मिल रहा था, वही चीज़ कर रही थी हरमनप्रीत कौर, हमारी जो इंडिया में WPL चल रही थी वहाँ पे। तो आई वोंग टैलेंटेड प्लेयर है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सभी जगह से वो पॉइंट देने की मादा रखती हैं, लेकिन उनको ओवर जब मिले तब तो। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है इस मैच में एलिस पेरी का ओवर जो है अच्छे खासे कम होने वाला है। वेन्यू को लेकर बात करेंगे, मुकाबला खेला जाएगा एजबेस्टन बर्मिंगम में, जहां पे रन करना बेहद ही मुश्किल होता है। यहां अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे 130 के आसपास का टारगेट लगा ली, इसका मतलब वो गेम में अच्छे खासा बन जाएगा। वेन्यू स्टैट्स को लेकर बात करेंगे तो बर्मिंगम में देखिएगा एवरेज स्कोर महज 120-130 के बीच होता है, हाईएस्ट टोटल 172, लोएस्ट टोटल आपको 54 देखने को मिल जाएगा। वेन्यू ओमैन 100 स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, टोटल मुकाबला खेला गया 13, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 8, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 5 मुकाबला। ओमैन 100 स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करेंगे, बिलो स्कोर 150 बने 11 टाइम्स, बिटवीन 150-169 बने 1 टाइम्स, बिटवीन 170-189 बने 1 टाइम्स, एबव 190 बना ही नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, बैट फर्स्ट 8 दफा, बैट सेकंड 5 दफा, मतलब एज द मैच प्रोग्रेस ऑन स्पिनर गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेती है। अगर हम बात करें रिसेंट जो यहाँ पे मुकाबले खेले गए उसमें कैसे क्या प्रदर्शन रहा है, तो सबसे लास्ट मुकाबला 12 अगस्त 2024 को हुआ था, जहाँ पे बर्मिंगम फियोनिक्स पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच लगाती है 100 बॉल में 112 6 विकेट नुकसान पे, जवाब में ट्रेंट रॉकेट्स ओमैन 114 तो लगा लेती है, लेकिन 97 बॉल लेके 7 विकेट भी गवा देती है। फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 2, सेकंड इनिंग पेसर 3 स्पिनर 3 विकेट। इससे पहले 6 अगस्त 2024 को यहाँ पे जो है वो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाती है 100 बॉल में महज 115 रन, टोटल 5 विकेट नुकसान पे। और बर्मिंगम की टीम 54 पे भाई सब सिमट जाती है 86 बॉल में, जिनके पास पैडी हो, जोन्स हो, जिनके पास इस मैच में डिवाइन अवेलेबल थी, उसके बावजूद ये टीम 54 पे सिमट जाती है। वरेहम का जादू यहाँ पे चल पड़ा था, 3 विकेट लेके गई थी। फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 4 स्पिनर 6 विकेट। इससे पहले जाएंगे 3 अगस्त को, बर्मिंगम पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 100 बॉल में 137 7 विकेट नुकसान पे, सॉटर्न ब्रिम ओवन लगाती है 97 बॉल में 121 रन 10 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 4, सेकंड इनिंग पेसर 4 स्पिनर 5 विकेट। पेस वर्सेस स्पिन अगर हम बात करेंगे लास्ट के 6 ओमैन 100 जो यहाँ पे खेले गए, पेसर्स को मिला है 36 विकेट, स्पिनर खाते में गई है 39 विकेट। तो यहां से भी आपको मालूम चल जाएगा पेस के तुलना में स्पिनर को अधिक विकेट मिला हुआ है। हेड टू हेड को लेकर बातें करें, दोनों टीम 3 दफा आमने सामने आई है, 1 बार जीती है बर्मिंगम फियोनिक्स और 2 दफा जीती है मैनचेस्टर ओरिजिनल। मैनचेस्टर की लास्ट 5 मैच को लेकर बात करें, विन लॉस 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 विन करके आ रही है, वहीं सामने बर्मिंगम फियोनिक्स विन विन लॉस विन लॉस करके ये टीम आ रही है। लास्ट मैच के स्कोरबोर्ड पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, और मैं लास्ट मैच का स्कोरबोर्ड देखने के बाद ताजुब हूं कि अधिकांश लोग कैप्टन बीसी पता है किसको दे रहे हैं एलिसा पेरी के साथ, यहाँ पे कैथरीन ब्रेस को। भाई ये गलती पीआर फैमिली को नहीं करनी है। यहाँ पे देखिएगा पैडी की थी 5, स्टीयर कैलिस लगातार अच्छी खेल रही है 47, फ्रॉन विल्सन 2, एमी जोन्स 0, रिचागोस 41, अर्लोट 0, सी पैवली 4 और एवोंग की थी 4 रन। गेंदबाजी में पैडी मात्र 5 बॉल 14 रन 0 विकेट, ऐसा कुछ इस मैच में भी हो सकता है अगर पहला ओवर इनका अच्छा ना जाए तो। फिर यहाँ पे आयवंग जबरदस्त 20 बॉल 15 रन की विकेट, कैटी लेविक 17 बॉल 25 रन की विकेट, पैबली 20 बॉल 21 रन 2 विकेट, अर्लोट 20 बॉल 21 रन 2 विकेट और हन्ना बेकर 15 बॉल 17 रन 0 विकेट। बात करूँ सामने वाली टीम को लेके
तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट मुकाबला में मैनचेस्टर जो है 17 रन से जीती थी, जहां पे बैत मुनी 99 की थी, वॉल वाइडेड 26, कैथरीन रेड स्लो खेल रही थी तो खुद को रिटायर कर ली, 3 रन बना के एक्लिस्टन बनाई थी 6 रन 5 बॉल में। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, किम गर्थ 20 बॉल 17 रन 2 विकेट, एल फाइलर 15 बॉल 26 रन 0 विकेट, एफ मॉरिस 5 बॉल 14 रन 0 विकेट। सामने देखिएगा लिप्टी तो आपको एक भी नहीं दिखेंगी, मतलब एफ मॉरिस का यहाँ पे गेंदबाजी स्पिन कटेगा अच्छा खासा, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, अगर स्पिन को शुरू में ही आके विकेट मिल जाए तब तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज इनका ओवर यहाँ पे कटेगा। एलएस को लेकर बात करेंगे, 10 में 14 रन 0 विकेट, टूर्नामेंट से ये टीम बाहर है तो हो सकता है एलएस को फिर से गेंदबाजी मिल जाए। एक्लिस्टन 20 में 32 रन 1 विकेट, के प्रेस 20 बॉल 13 रन 5 विकेट, फिर से ऐसा प्रदर्शन का उम्मीद नहीं कीजिएगा। ग्रेगरी 10 बॉल 17 रन 0 विकेट, इस विकेट पे स्पिनर को मदद मिलेगा, लेग ब्रेक गेंदबाज है, सामने सारे रेडी है, मतलब आपके लिए अच्छा खासा ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ओमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर को लेके बात करें, ओपनर दिखेंगी वॉल वार्डेट के साथ मोनी, ई जोन्स, इमालम्ब, के ब्राइस, एफ आई मॉरिस, एक्लिस्टन, इथरिकल्ड, किमगर, ध्यान रखिएगा ये आपको इस मैच में नहीं दिखेंगी, इनके जगह पे वैत मुनि पिछले मैच में विकेट कीपिंग किए थे और जबरदस्त कीपिंग प्लस जबरदस्त बल्लेबाजी किए थे, तो मुझे लगता है इनके जगह ये टीम जो है किसको लेके जाएंगी, डी ग्रेगरी को फिर से, ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके अलावा किम गर्थ, एलाइस और एल फाइलर, गेंदबाजी में फाइलर का मैं देख रहा हूँ 15 से 20 बॉल, उसके अलावा लगातार ये किम गर्थ को 20 बॉल दे रही हैं, और मैंने किम गर्थ का नाम देखा है ऑस्ट्रेलिया ए ओमैन के स्क्वाड में भी, जो कि अभी इंडिया ए ओमैन के साथ खेल रही है, पहली ओडिया मुकाबला नहीं खेली थी, ऐसा हो सकता है कि इनको इस मैच के बाद वहां पे मिल जाए जगह, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल टीम से रेगुलर बेसिस पे अपनी जो है जगह बनाई हुई है। फिर अगर हम बात कर लेंगे गेंदबाजी में, एक्लिस्टन का 20 बॉल कंफर्म है, जैसे पिछले मैच में ब्राइस डाली है, अच्छी खासी विकेट लेके गई है, तो इनसे भी आप 15 बॉल तो कम से कम उम्मीद ही कर सकते हो, जैसा विकेट होगा इनके जगह पे ग्रेगरी खेलेंगी, वो भी मुझे लगता है कि इस मैच में 15 से लेके 20 बॉल के बीच में डाल सकती है। बाकी सीजन पता नहीं इमालम्ब क्यों नहीं एक भी ओवर गेंदबाजी की। अगर हम बात कर लेंगे प्लेयर स्टैट्स को लेके, वॉल वार्डेड हेड टू हेड 3 मैच में 102 रन 34 एवरेज है, वेन्यू पे 4 मैच में 101, रिसेंटली 26 5 38 19 78 पे नवाद, वैत मुनी हेड टू हेड 1 मैच में 1 रन, वेन्यू पे 5 मैच में 45 का एवरेज जबरदस्त 189 रन, रिसेंटली 99 पे नवाद 20 22 5 2। ई जोन्स को लेके बात करें, वेन्यू पे 13 मैच में 229 रन, 20 का एवरेज है, 1 विकेट है, गेंदबाजी में बिल्कुल उम्मीद नहीं कीजिएगा, रिसेंटली डू नॉट बैट 1 19 4 39, ध्यान रखिएगा इनके जो ओपनर है वैत मुनी और वॉल वार्डेड, ये दोनों नॉर्मली जो है आराम से 40-50 बॉल खेल जाती है, अगर ये 50 बॉल खेल जाएंगी तो ये लोग सीधा प्रमोट कर देंगे हीटर बल्लेबाज को, अदरवाइज अगर मुनी आउट होती है पहले तो ई जोन्स आपको दिख जाएंगी वन डाउन, अगर जल्दी में वॉल वार्डेड आउट होती है तो यहाँ पे आपको वन डाउन दिख जाएंगी, कौन, इमा लंब, प्लेयर बेहतरीन है लंब, लेकिन पता नहीं वैसे इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, हेड टू हेड 3 मैच में 34 रन, वेन्यू पे जबरदस्त 2 मैच में 75 किए, रिसेंटली डू नॉट बैट 28 3 12 डू नॉट बैट, के ब्रेस देखिएगा वेन्यू स्टेट्स और हेड टू हेड, मैं अगर इस मैच में भी इनको बैक ना करूँ ना तो ताजुब नहीं होनी चाहिए। अब पिछले मैच में 5 विकेट लिए, सब ने इनको कैप्टन भी सी दिया हुआ है, लेकिन मेरे टीम में हो सकते हैं आज भी इनका जगह ना बने, पिछले मैच में वैत मुनी हमारे कैप्टन 99 कर दी थी, पिछले इनिंग के 95 बॉल तक सारे कंटेस्ट में मैं 1 रैंक पे था, फिर आती है के ब्रेस, वो स्पिन लेके जिसका मुझे सपने में भी इंतजार नहीं हो सकता है, 3 या 4 विकेट लेके लास्ट ओवर में चले गई थी और हमारा सारा कंटेस्ट में जो है हमको फेंटी लगा दी थी, हेड टू हेड देखिए 4 मैच 22 रन, महज 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच 12 रन 0 विकेट, ना हेड टू हेड अच्छा है ना वेन्यू अच्छा है, फिर मैं किस बेसिस पे इनको बैक करूं, रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, हेड टू हेड 13 रन 5 विकेट 32 रन 0 विकेट 11 रन 1 विकेट 13 रन 0 विकेट 11 रन 0 विकेट। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है कि के ब्राइस वो कैलिवर के प्लेयर हैं जो आपको कंसिस्टेंटली जो है वो 40 पॉइंट 35 पॉइंट 32 पॉइंट देंगी, पिछले मैच में जो थी वो वैसा भी ये कह सकते हो कि हमारा जो थोड़ा सा बैट पे चल रहा था उसका इंपैक्ट था वो 5 विकेट, और फाइनली हम लोग जो है फिर से बेहतरीन ट्रैक पे आ चुके हैं, लास्ट के 400 में 3 हमारा वन साइडेड क्लीन स्वीप गया है। अब मॉरिस को लेकर बात करें, हेड टू हेड देखिए इनका जबरदस्त है, 3 मैच में 5 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 17 रन 0 विकेट 0 विकेट 4 रन 0 विकेट 0 रन 1 विकेट, यहाँ पे एज ए ट्रम्प कार्ड आप इनको बैक करके चल सकते हो। फिर नीचे जाएंगे आपको दिख जाएंगे सोफी एक्लिस्टन, हेड टू हेड इससे बेहतर किसी का हो ही नहीं सकता है, 3 मैच में 9 विकेट, 27 रन, वेन्यू पे 7 मैच में 46 रन 9 विकेट। अब बताइए मैं किस आधार पे इनको कैप्टन भी सीना दूं,
फिर आपको दिखेंगे रिसेंटली 6 रन 1 विकेट 1 रन 0 विकेट 26 रन 0 विकेट 1 रन 0 विकेट 7 रन 2 विकेट। सामने वाले की टॉप 5 के बाद बल्लेबाजी काफी वीक है, जहां पे अडलोट आ जाएंगी, पेवली आ जाएंगी, अवोंग आ जाएंगी, वहां पे इनको बंचेज में विकेट मिल सकता है। फिर थ्रिकेट शायद नहीं दिखेंगे, इनकी जगह आपको दिख जाएंगी ग्रेगरी। किम गर्थ को लेकर बात करेंगे, रिसेंटली 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। एलएस को लेकर बात करें, हिट टू हिट 2 मैच में 4 रन, इनका भी बेड़ा कर्क वाला हाल है। रिसेंटली 0 विकेट 5 रन 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। मिनी जीएल को ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी बाहर है, तो हो सकता है इनको ज्यादा कुछ बॉल यहां पे मिल जाए। एल फाइलर हिट टू हिट 2 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 20 रन 2 विकेट और 0 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करें, आपको मे भी एफ मॉरिस दिख जाए, फिर यहाँ पे किम गर्थ, एल फाइलर तो जरूर दिखेंगी। डेथ में के ब्रेस, यहाँ पे एक्लिस्टन और एफ मैडू मॉरिस या फिर एल फाइलर में से कोई एक आपको दिख सकती है। बेंच पे ये सारी नाम होंगी, इनमें से अगर कोई खेलती है तो आप उनको बैक कर सकते हो। स्पेशली ध्यान रखना डी ग्रेगरी के ऊपर, मेरे टीम में हो सकता है ये आज फिर से आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं बर्मिंगम फियोनिक्स ओमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। आपको दिख जाएंगी ओपनर एलिस पेडी के साथ स्टीयर कैलिस, फिर फ्रान विल्सन, रिचा घोष, एमी जोन्स इनसे ऊपर आ जाएंगे, रिचा घोष इनसे नीचे चले जाएंगी। फिर आपको दिख जाएंगी सेरेन स्मेल, फिर यहाँ पे अर्लोट, अवोंग, सी पेवली, कैटी लेविक और हन्नावेकर। गेंदबाजी में मुझे हन्नावेकर से 15 से लेकर 20 बॉल उम्मीद है। कैटी लेविक कन्फर्म 20 डालेंगी, पेवली कन्फर्म 20 डालेंगी और अर्लोट यहाँ से कन्फर्म 20 डालेंगी। मतलब 20, 15, 35, 20, 55, 20 और यहाँ पे देखोगे 75 और 15 मान लो अवोंग और 10 यहाँ पे एलिसा पेडी। अगर यहाँ पे अवोंग कवर करता है तो पेडी का वहाँ पे कुछ ओवर बढ़ जाएगा। प्लेयर स्टैट्स को लेके बात कर लूँ ना, तो एलिसा पेडी का देखिएगा हेड टू हेड जो है वो 1 मैच में महज 5 रन है। वेन्यू पे 6 मैच में 92 रन 5 विकेट, रिसेंटली 5 रन 0 विकेट 1 रन 2 विकेट 7 रन 2 विकेट 14 रन 3 विकेट 66 रन 1 विकेट। एस्टियर कैलिस का हेड टू हेड और वेन्यू दोनों बेड़ा गर्क है, भले लास्ट के 5 में से 3 बेहतरीन नौक हो, लेकिन हेड टू हेड देखिएगा 1 में 19, वेन्यू पे 6 मैच में मात्र 98 रन, रिसेंटली 47, 55, 0, 14, 48। फ्रान विल्सन हेड टू हेड 3 मैच 16 रन, वेन्यू पे 5 मैच में 34 रन, रिसेंटली 2, 1 पे नवाद, 6, 1 पे नवाद और 2 नॉट बैड। रिचा घोष वेन्यू पे 4 मैच में 79 रन, रिसेंटली 41, 1, 0, 9, 64 और यहाँ पे मैं बता दूँ 41 में 3-3, 4-4 दफा रिव्यू लेके बची थी। एमी जोन्स हेड टू हेड 3 मैच में महज 44 रन, वेन्यू पे 22 मैच में 463 का एवरेज है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये विकेट कीपिंग करेंगी और वहां से आपको आराम से ये 30-40 पॉइंट दे सकती है। रीजन इसकी जो डेथ है ना, वो पेवली, एच वेकर, कैटी लेविक ये ज्यादा डालेंगी और 5 बॉल डालेंगी वहां पे अर्लोट। सेरेन को लेकर बात करें, वेन्यू पे 4 मैच में 30 रन, रिसेंटली डू नॉट बैट 1, 6, 8 और 2 नॉट बैट। फिर यहाँ पे नीचे आइए, आपको दिख जाएंगी अर्लोट जबरदस्त फॉर्म में है, हेड टू हेड 3 मैच में 20 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 15 मैच में 20 विकेट 100 रन, रिसेंटली 0 रन 2 विकेट 17 रन 2 विकेट 2 रन 2 विकेट 22 रन 1 विकेट 0 विकेट। इसी वॉन्ग को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 3 मैच में 38 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 18 मैच में 93 रन 10 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। पेवली हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में जबरदस्त 7 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 2 विकेट। कैटी लेविक को लेकर बात करें, हेड टू हेड 3 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 8 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। हन्नावेकर हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 8 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इस टीम की बॉलिंग फर्स्ट आती है, एक्लिस्टन को कैप्टन देना, वीसी आप जो है पेरी की जगह कैटी लेविक को ट्राई करना। सबसे बड़ी रीजन क्या है कि ये नीचे आके गेंदबाजी करेंगी और ये कौन सी गेंदबाज है, लेग ब्रेक है। सामने वाले टीम में राइटी भरे पड़े हैं, एक बैथमुनी को छोड़ दोगे तो, मतलब इनको एक बैथमुनी और एक ईजोन्स, और ये अपना स्पेल स्टार्ट करेंगी कब, ये लगभग 30-35 बॉल्स के आसपास से अपना स्पेल स्टार्ट करती है, जहां पे चांसेस हैं कि बैथमुनी आउट हो जाए और वहां से इनको बंचेज में विकेट मिल सकता है। अगर हम बात कर लेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, आपको दिख सकती है वहां पे 5 बॉल पैडी का और 15 बॉल दिख सकता है अवोंग का, फिर कैटी लेविक, उसके अलावा डेथ ओवर कैटी लेविक, अर्लोट और सी पेवली डालेंगी। बेंच पे ये सारे नाम होंगे, हो सकता है किसी को यहाँ पे मौका भी मिल जाए, तो उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके, तो विकेट के पीछे मैंने बैथमुनी को लिया है,
उसके अलावा मैंने ओवल वार्डेट को लिए बैटिंग से, ऑलराउंडर से एलिस पैरी, एक्लिस्टन केब्रेस, ध्यान रखिएगा अगर गलती से ये टीम फिर से थ्री विकेट को खिलवाती है, बैथमनी एज ए बैट्समैन खेलती है, तो मैं यहाँ पे इजिली एमी जोन्स को एज ए रिस्की पिक ट्राई कर लूंगा। फिर यहाँ पे मैंने लिए बॉलिंग से किम गर्थ, लेविक अर्लोट, बेकर, एल फाइलर और सी पैबली को। आप यहाँ पे इजिली के ब्राइस को ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो। एक और एक्स्ट्रा स्पिनर लेने का नाम है डी ग्रेगरी या फिर विकेट कीपर बल्लेबाज, आप एमी जोन्स के साथ भी स्टिक कर सकते हो। कैप्टनसी मैंने यहाँ पे दिए एक्लिस्टन को। वीसी मैं यहाँ पे पैडी, बैथमोनी, कैटी लेविक और रिस्क टेकर के लिए बता दूं सी पैबली, इन तीन चार में से किसी एक को दे सकते हो। अगर बैलेंस वन विकेट होती है तो आपके लिए अर्लोट भी वीसी की अच्छी खासी मटेरियल हो सकती है। फिलहाल मैंने एक्लिस्टन को कैप्टन और पेडी को वीसी दिया है। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से इन सब मैच में मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।